हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल लेवल का, आर्क प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल का। तो गाइस आर्क प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो हमारी फ्यूरॉक्स आर्मी है वो आधी अधूरी यहाँ पे बना ली थी। और अभी बफोन फ्यूरॉक्स की आर्मी जो ना गाइस वो आज हम लोग नहीं बनाने वाले। आज हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग को गेमिंग विद एनी के चैनल का, जिनके चैनल पर अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं, तो उनके चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आप लोग को आर्क पीसी आर्क मोबाइल के सर्वर बनाने, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग आर्क पीसी और आर्क मोबाइल के सर्वर बड़े आसानी से बना सकते हो। तो जरूर से चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और हमने ना एक नया चैनल खोला है आर्क पीसी की, सिर्फ आर्क पीसी की वीडियो डालने के लिए। उस नए चैनल का नाम है आर्क गेमिंग। अगर आपको उस चैनल को चेकआउट करना है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उस नए चैनल का लिंक आप लोग को कम्युनिटी टैब में जो है गाइस मिल जाएगा। सो चलो गाइस आज का ये वाला एपिसोड बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं और मचाते एकदम फुल टू द भाई। वैसे कम्युनिटी टैब में अगर लिंक नहीं मिलता है नए चैनल का, तो नए चैनल का नाम आर्क गेमिंग है। वो नाम आप सर्च करके नए चैनल को चेकआउट कर सकते हो। उस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। सो चलो अभी आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। और आज हम लोग क्या करने वाले पता है, मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले चेकआउट करा है और मुझे ये पता चला कि हमारे मैप पे बफोन फ्यूरॉक्स भी आ चुके हैं और हमारे सबसे प्यारे सिलेस्टियल वाले जो फ्यूरॉक्स थे वो भी आ चुके हैं। और आपको पता ही होगा कि मुझे सिलेस्टियल वाले फ्यूरॉक्स को ना काफ़ी टाइम से टेम करना था। पिछली बार मैंने उनको टेम करने की कोशिश करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उसने मुझे 4 से 5 बार मारा अलग, और फिर उसके बाद जो है ना गाइस वो मारा गया आई थिंक से एक मच्छर के हाथों, ठीक है। सो इसलिए अभी ना बफोन फ्यूरॉक्स तो है, लेकिन मुझे 850 लेवल के भाई 3 सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स दिखाई दे रही है आप, ठीक है। 850 लेवल के 3 सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स, वैसे इनको नॉकआउट करना कोई बच्चों का खेल तो हमारे लिए नहीं होने वाला है, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा कि मैं इनको टेम कर पाऊँ। क्या मैं सिलेस्टियल किबल अगर बोले तो 6 बना सकता हूँ? इजी पीजी 6 सिलेस्टियल किबल बन रहे, ठीक है, अच्छी बात है। रुको, मुझे जो मेरे पास ब्लड है वो ब्लड यहाँ पर डालना पड़ेगा। जितना भी मेरे पास ब्लड अवेलेबल है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जितना भी हाइड अवेलेबल है गाइस वो मैं नीचे यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास ब्लड और हाइड भाई काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, ओके। और बाकी और कुछ चीज़ें भाई यहाँ पे डालनी है? नहीं डालनी है ना। फ्यूरॉक्स का सैडल बनेगा सिलेस्टियल वाले, बन जाएगा, बट इसके लिए आई थिंक से क्या चीज़ कम पड़ रही है, फाइबर कम पड़ेगा यार। फाइबर तो भाई क्या ही बोले, चलो कोई ना, ये अपन सैडल बाद में बना लेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं एक सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स को पकड़ लेता हूँ गाइस पहले, तो अगर मैं उसको इजीली पकड़ पाया ना तो फिर हम लोग क्या करेंगे पता है। अभी पहले तो मुझे जेलीफिश निकालने दो मेरी भाई, ठीक है। ये रही अपनी जेलीफिश और ये रहा अपना रोडॉल, बराबर, ठीक है। इन दोनों की मदद से हम लोग जा रहे गाइस अभी फर्स्ट सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स को टेम करने के लिए। अगर मैं इसको इजीली टेम कर पाया तो मैं और 2 सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स को टेम करूंगा और आज सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स की आर्मी बना लेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाओ, चलो, ये उसी लोकेशन पे वापस से स्पॉन हुआ है जिस लोकेशन पे कल स्पॉन हुआ था। 850 लेवल का है, लेकिन इस बार जमीन के अंदर है क्या? ए, जमीन के अंदर है भाई, दिख नहीं। नहीं नहीं, जमीन के अंदर, ठीक है यार। आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेड भी है नीचे। आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेड का गेम जो रहेगा हम लोग सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स से ही बजाएंगे, ओके। चलो अभी ये हमारी नॉकआउट क्वीन जेलीफिश, ओके। इसकी मदद से मुझे उसको नॉकआउट करना और भागना है। अगर उसका बम मुझे लगा तो समझ लेना तुम्हारा भाई ठुका भाई, ठीक है। अगर उसका बम मेरे को लगा तो समझ लो तुम्हारा भाई ठुका। भागोरे 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 भागे रहो, अरे भागोरे भागोरे भाई। यार इसको तो 400 साल लग जाएंगे नॉकआउट करने में। मुझे गाइस कोई और पावरफुल सा डायनो ढूंढना पड़ेगा। नहीं गाइस, मैं एक ही को टेम कर सकता हूँ, मैं उससे ज्यादा टेम कर नहीं पाऊंगा भाई सेलेस्टियल फ्यूरॉक्स। इसको नॉकआउट करने में मेरे को 400 साल लग जाएंगे, देख रहे हो। इतु सा टॉरपोर तो चढ़ रहा भाई इसको। भागो रे भागो, 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 भागो रे भागो। बूम बाम ब्रो, बूम बाम ब्रो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
भाई इसको इतु इतु सा टॉर्पर चढ़ रहा है, मतलब क्या करे बताओ भाई। लग गया, बच गया, मर गया। अरे यार आई हार। अबे भाई वो जेली फिश ना मारी जाए मेरी, रुक जाओ रुक जाओ गाइस, ये फिरोक्स को जल्दी से नॉकआउट कैसे करा जाए, कैसे करा जाए भाई, कैसे करा जाए ये फिरोक्स को जल्दी से नॉकआउट कैसे करा जाए। मेरे दिमाग में एक मस्त वाला आइडिया आ रहा है। अगर मैं एक कोई तो वाइब्रन होता है जो होता है इवॉल्व, बराबर वो होता है ऐसे खतरनाक, लेकिन वो इसको इवॉल्व करने के लिए तो भाई रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छी होंगे। और एक एनाकोंडा होता है गाइज, अगर मैं उसको टेम कर लूँ ना तो हमारा काम बन सकता है। भाई कैसे हालत है तेरी? हाँ भाई ठीक है, चलो मरा नहीं अभी तक अपना जेलीफिश, वो अच्छी बात है। फायर ग्रिपिन नहीं भाई, रोडॉल्फ से ही जाऊँगा मैं वहाँ से ना एक टीपी भेज दूँगा ठीक है, ताकि फिर हम लोग डायरेक्टली उसी लोकेशन पर जा पाए, बार बार ना हम लोग को भाई घर पर ना आना पड़े इसे। उसको मैंने आई थिंक से 400,000 टॉर्पोर दिया, अभी तक उसका टोटल 6 मिलियन टॉर्पोर है भाई। इतना टॉर्पोर देने में तो भाई बैंड बच जाएगी हम लोग की। मुझे लग रहा है मैं 7 से 8 बार मरने वाला हूँ कम से कम आज। वाव वेरी गुड भाई, वेरी गुड भाई, सीधा नीचे गिरा दिया मेरे को। बेटा अरे यार गलती से मैंने घी का निकाल दिया जेली फिश की जगह पे, और मैं पहाड़ के नीचे भाई पता नहीं कैसे गिर गया यार। मैंने लैंड तो उसको पहाड़ के ऊपर करा था रोडोल्फ को, लेकिन वो फ्लो फ्लो में जो ना कि थोड़ा आगे निकल गया, और मैंने जल्दबाजी में भाई एग्जिट कर दी और मेरी बच गई है पुंगी। रुको गाइस रुको भाई, आज तो भाई सेलेस्टियल फिरोक्स टेम होके रहेगा हमारा भाई, किसी भी कीमत पे सेलेस्टियल फिरोक्स तो टेम होके रहेगा। रुको आज तो उसको मैं टेम करके रहूँगा, उनके आर्मी ऑफ सेलेस्टियल फिरोक्स आज ही नहीं बन पाएगी। वैसे गीगा के अंदर ट्रैकर तो था, नो डायनो ट्रैकर अवेलेबल, व्हाट? ठीक है भाई रुको, जेलीफिश, जेलीफिश कहाँ पे? 3 नंबर पे जेलीफिश भी हमारे भाई। ये आधा अधूरा ओरिजिन सूट ना काम नहीं आता है भाई, मुझे ओरिजिन सूट तो पहले एक भाई एक फुल सेट जो है ना गाइस उसका जुगाड़ करना पड़ेगा ओरिजिन सेट का। ये आधा अधूरा ओरिजिन सेट मेरे किसी काम नहीं आ रहा है। कोई काम करता हूँ मैं फटाफट से, यहाँ से एक टीपी भेज देता हूँ ठीक है। मरने के बाद सीधा जेलीफिश को लेके आएंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे लैंड करके क्रायो कर लेता हूँ ठीक है। उसके बाद इसको क्रायो कर लेंगे, उसके बाद जेलीफिश को निकालेंगे और सीधा चलेंगे हमारे फिरोक्स के पास ठीक है। अबे अबे राइड करा दे भाई। हाँ चलो फिरोक्स को कितना मेरे थोबड़े पे नहीं मारना, बस बम भाई ठीक है, कहीं पे भी मार ले, मेरे मेरे फेस पे नहीं मारना भाई बम। ठीक है भाई, 8,00,000 टॉर्पोर दे दिया मैंने। ये भाई इसके पहले रेंज से बाहर चला जाओ भाई मैं भाई, वरना ये भाई गिन के थोबड़े पे भाई फेस पे सीधा बम फेंकता है। हाँ ठीक है, इसके रेंज से बाहर चले गए ना तो वापस से हम लोग नीचे जाके इसको मार सकते हैं ठीक है। इसको पीछे से मारेंगे तो कि बम जो है ना कैसे मेरे ऊपर पड़े ना इसका। भागोरे भागो भागोरे भागो भागोरे भागो भागोरे भागो भाई, पावर अप भी कर दिया, पावर अप भी कर दिया ठीक है। देख रहा है भाई अभी तक देख रहा है, रुको रेंज से बाहर, अरे रेंज से बाहर गया भाई मैं तेरे, एग्रो छोड़ दे, छोड़ दिया वापस चलो गाइस। यही टेक्निक का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरे पास और कोई भाई तरीका नहीं है जिसकी मदद से मैं इसको नॉकआउट कर सकूँ। अभी जो भी है यही टेक्निक है। भागो रे भागो भागो रे भागो भागो रे भागो भागो रे भागो भागो रे 1.2 मिलियन टॉर्पोर चढ़ा दिया है मैंने। क्या मैं इसके एग्रो से नहीं भाई दूर रहता हूँ, हट गया। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी नीचे चलो भाई, ऐसे ही कैसे इसको नॉकआउट करेंगे हम लोग। 1.4 मिलियन इसको टॉर्पोर चढ़ चुका है, सोचो यहाँ पे अगर मौत होती तो उसकी बैंड कैसे बच जाती भाई गंदी तरीके से। भाग भाग जल्दी भाग, लगा बच गया नहीं बचा, आग लग गई। रुको भाई तू भी खा ले, मैं भी हीलिंग पोशन खाता हूँ, तू भी खा ले ठीक है। एग्रो हटा के नहीं उसका, पहले वो देखने दो मुझे, एग्रो हट गया भाई का, हटा है, आग तो लगा दी थी उसने बट बच गए बाल। 1.6 मिलियन ठीक है, देख रहे हो भाई स्ट्रगल इज रियल। हम लोग ना ये पूरा का पूरा प्राइमल फियर विदाउट
ट्रैंक एरोज बनाए गए हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले। काश मेरे पास ओरिजिन ब्लड होता भाई, एक फटके में नॉकआउट कर लेता मैं इसको। काश ओरिजिन ब्लड होता, एक ओरिजिन वाले एरो लेके आके इसको नॉकआउट कर लेता भाई, बट अनफॉर्चुनेटली अपने पास ओरिजिन ब्लड है नहीं यार। पावर डाउन हो गया क्या? अरे भाई ऐसा ना देखा कर भाई, कुड़ा देखा हो। हाँ ठीक है, पावर डाउन तो हो चुका है, मैं जा रहा हूँ वापस से। 2 मिलियन भाई, और भाई 4 मिलियन इसको टारपोर चढ़ाना है। गाइस लाइक कर दो लाइक भाई, ठीक है भाई। कितना ज़्यादा खतरा मोल ले रहे, देख रहे हो आप लोग? कल कल बेटा कल, ठीक है फिरोक्स बेटा कल आना कल, ठीक है कल। चल बेटा चल कल, चलो रेंडर से बाहर गया, चलो चलते नीचे। 2.5 आई थिंक से 2.3 भाई, 2 लाख का ही टॉर्पोर दे पा रहा हूँ क्या मैं इसको भाई? ऐसे तो मुझे भाई 4 जन्म लग जाएंगे इसको नॉकआउट करने में, बट कोई ना गाइस बिना मरे नॉकआउट करने के मैं इसको ट्राई तो कर रहा हूँ। बम्बे का बच गया, बम मेरे नज़दीक भी नहीं था, बच गया। रेंडर से बाहर जा रहा हूँ भाई, जेली फिश के ऊपर बैठ के उसको नॉकआउट कर रहा हूँ। बताओ भाई मुझे ना गाइस और कोई भाई तगड़ा सा डायनो ढूंढना पड़ेगा जो ज़्यादा टॉर्पोर डील करता हो, ठीक, वरना तो ऐसे भाई मेरी बैंड बच जाएगी। मैं एक एनाकोंडा को अगले एपिसोड में टेम करने की ट्राई करूंगा भाई। कोई मामूली एनाकोंडा नहीं होगा, वो काफ़ी खतरनाक एनाकोंडा होगा, वैसे बता दो। बच गया गाइस इसके अटैक से, ठीक है बच गया। रुको, हाँ एग्रो से बैठ चुका हूँ मैं, एंड लगभग 3 मिलियन इसको टॉर्पोर चढ़ने वाले। आप बोल सकते हो कि आधा टॉर्पोर हम लोग ने इसको चढ़ा दिया है, ठीक है हाफ टॉर्पोर इसको चढ़ गया, ऐसे बोल सकते हो भाई। कितनी बार पावर अप करता है भाई, पावर अप पावर डाउन यही चल रहा है इसकी जिंदगी में तो बेचारे के भाई। हो जा एग्रो साइड गया, चलो वापस चलो नीचे भाई। 3 मिलियन टॉर्पोर तो आई थिंक से इसको चढ़ गया होगा अभी तक, उसको मुझे देखने दो भाई, दिख भी नहीं रहा ना भाई। चढ़ने वाले, ऑलमोस्ट चढ़ गया भाई, ऑलमोस्ट चढ़ गया। भाई हेल्थ देख रहे हो क्या डाउन हुई है भाई, हीलिंग पोशन भाई, हेल्थ क्या डाउन हुई है भाई मेरी। चलो इसका एग्रो बैठ गया तुरंत। ओके रुको 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 रुको, हीलिंग पोशन पी के जा रहा हूँ इस बार, तो मरना नहीं चाहिए। 3.1 सीधा ऊपर, चलो सीधा ऊपर भाई, ठीक है। 3.3 हाँ भाई, यार ये पीछा छोड़ दे जल्दी। हाँ चलो भाई जल्दी नॉकआउट कर रहा है। 4 मिलियन भाई अभी लगभग इसको टॉर्पोर चढ़ने वाला है, ठीक है फिर इसको बस 2 मिलियन और टॉर्पोर चढ़ाना बाकी रह जाएगा। इससे ज़्यादा जो है ना कि अच्छी क्या चीज़ होती पता है, मैं जाके एक ओरिजिन को मारता हूँ, उसके ब्लड से एक एरो बनाता हूँ और इसको नॉकआउट करता, वो ज़्यादा ईजी होता है जेली फिश से नॉकआउट करने से भाई। ये चल के आ रहा भाई, जेली फिश तो इसको नॉकआउट करने में भाई आधा घंटा ले लेगी। बताओ भाई इसने पावर डाउन भी कर दिया उसका भाई, 3 बार स्टैमिना डाउन हो चुका है ये, 3 बार पावर अप पावर डाउन कर चुका है बेचारा। भागो 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 रे भागो भाई, बहुत तेजी से भागो। इसका टॉर्पोर जब भाई 75% चढ़ जाएगा तब थोड़ा आसान होगा इसको नॉकआउट करना। ओके ठीक है, कितना हो गया? 3.8 ना, 4 मिलियन तो इस बार चढ़ने वाला है, फिर 2.5 मिलियन ओनली टॉर्पोर इसको चढ़ाना बाकी रह जाएगा, ठीक है। देख रहे हो गाइस टैलेंट, अपनी टैलेंट की मदद से बिना एक भी बार मरे अभी हम लोग गाइस इसको लगभग 4 मिलियन तक का टॉर्पोर दे चुके हैं। चलो रिटर्न, ठीक है 2.5 मिलियन और टॉर्पोर इसको देना है। आई थिंक से मुझे 1 और मिलियन इसको देना है, उसके बाद ये भागना चालू कर देगा, ठीक है ये भागना चालू कर देगा। फिर बम बच गया, फटानी मेरे फेस पे फटानी पाए, बच गया भाई। एग्रो हट जा, नहीं हट रहा, हट गया। चलो 4.2 लेट्स गो बॉयज, बस 1 मिलियन और उसके बाद भाई इसका दौड़ना चालू हो जाएगा, बस 1 और मिलियन। भागो रे भागो, इसने वापस से पावर अप कर लिया है, ठीक है वापस से पावर अप गाइस ये हो चुका है सिलेस्टियल फिरोक्स। गाइस ये जेलीफिश जो है ना गाइस आज के इस एपिसोड के बाद भाई यूज करना बंद नॉकआउट करने के लिए डायनोस को, क्या फालतूक बना कर रही है भाई ये जेलीफिश।
भाई इतना कम टॉर्पोर दे रही है ना, क्या बताओ मैं आपको। मुझे और कुछ भाई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग नॉकआउट कर पाए इजीली। चौथी बार करा इसने पावर अप पावर डाउन। बम फेंका, बच जाऊंगा। इजी पीजी। मैं रेंडर से काफी ज्यादा दूर था, उसके बम के रेडियस से बहुत ज्यादा दूर था। 5 मिलियन टॉर्पोर चढ़ने वाला, अभी तक तो इसको भागना चाहिए था भाई। भाग का ही नहीं रहा भाई तू, यार भाग ले फिर। मैं इसके पीछे पीछे भाई लेजर मार मार के घूमूंगा। क्या कर रहा भाई तू, भागना चालू कर दे यार। भाग रहा है क्या? नहीं तो मेरे पीछे भाग रहा है, भाग नहीं रहा है इसे, ये मेरे पीछे भाग रहा है। रुको, खतरों का खिलाड़ी बना जाए एंडिंग में थोड़ा। एग्रो छोड़ दिया होगा इसने। रुको भाई, 5 मिलियन तो इसको टॉर्पोर चढ़ गया यार लगभग भाई। 5 मिलियन लगभग चढ़ गया भाई टॉर्पोर, अभी तक तो इसको भागना चाहिए। फिर भी काय उंगली कर रही है। डरते क्या, डर से डरते क्या? अरे भागना चालू कर दिया इसने भाई। इज रनिंग इज रनिंग इज रनिंग इज रनिंग। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। केल, अरे लगा नहीं ये लेजर। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल भाई? कहाँ जा रहा भाई तू, कहाँ जा रहा है भाई? अरे रुक जा मेरी जान। लियो लियो बेटा, लियो बेटा भाई, ले बेटा ले बेटा। इतना लेजर मारूंगा, इतना लेजर मारूंगा, अभी कैसे कैसे नॉकआउट हो रहा है भाई इजीली। देखो भाई 5 मिलियन, 4 मिलियन से सीधा 5 मिलियन तक टॉर्पोर आ चुका है इसका, ठीक है भाई। 6 मिलियन भाई इसका टॉर्पोर अभी चढ़ने वाला है। ये लो, इसके पैटर्न को, दौड़ने के पैटर्न को मैंने समझ लिया है। ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहा है। ये ले ले बेटा। कितना केबल चाहिए इसके लिए? 2 केबल चाहिए। मैंने एग्जैक्टली भाई 6 केबल बनाए थे बराबर यार, 3 फिरॉक्स को टेम करने के लिए। बट मुझे ये नहीं पता था कि एक ही फिरॉक्स को भाई नॉकआउट करने में हमारा पूरा एक एपिसोड निकल जाएगा। अभी अभी बहुत ज़्यादा तेज भाग रहा है। अरे ठीक है भाई, डेमोनिक पैरस हो रहे भाई, गलती से उसको भाई लगना चाहते। वो पागल हो गया तो बैंड बजा देगा मेरी। पीछे पीछे नहीं पड़ा भाई, डेमोनिक पैरस और उसका आ गया। अच्छा वो रहा, अच्छा वो अल्फा है नॉट डिमोनिक। एक और भाई, एक और पटका इसको, बस एक और बार लग जाए ना लेजर मेरी। हो गया हो गया हो गया हो गया, काम 25 है, काम 25 है। लेट्स गो बॉयज, फाइनली मेहनत का फल। अबे यार गाइस, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा रे भाई सच में भाई। इसको डॉकआउट करने में हवा टाइट हो गई भाई हम लोग की। मैं तो थक गया भाई साहब। गाइस इस फिरॉक्स को डॉकआउट करने में हम लोग की गाइस बैंड बजी है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली। एक लाइक तो बनता है भाई लोग। वो मुझे ना इसका पहले सैडल बनाना है, उसके बाद ना मैं पहले तो आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट की बैंड बजाऊंगा जो सामने घूम रहा है भाई, ठीक है। पहले तो मुझे फाइबर इकट्ठा करने दो यहाँ से। मुझे अपने फिरॉक्स का सैडल बनाने के लिए ना फाइबर की ज़रूरत है, सो मैं यहीं से फाइबर लेके जाऊंगा भाई सीधा अपने घर पे, ठीक है। आई थिंक से 5-10 हज़ार फाइबर से काम हो जाएगा। अरे बाप रे, ला 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 ला। भाई घर पे जाता हूँ भाई, घर पे जाता हूँ क्योंकि गीगा आ चुका है यहाँ पे। आ गया, आ रहा है, आ रहा घूम के आ रहा है। बाय बाय गीगा, अगले जन्म में मिलते हैं भाई। गीगा मारने के लिए आ रहा था घूम के भाई, उससे पहले मैंने कल्टी मार ली। चलो अब एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से ना फिरॉक्स का सैडल बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये रहा अपने फिरॉक्स का सैडल। अरे वाह, इसके लिए तो फाइबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, तो मैंने फालतू में भाई यहाँ पे फाइबर इकट्ठा करा क्या? लग तो इजी कुछ रहा है। चलो ये रहा गाइस हमारा सिलेस्टियल वाला फिरॉक्स, जिसको अभी हम लोग ने इतनी मेहनत से टेम करा है। ओ भाई मेहनत का फल मीठा होता है गाइस। देखते हैं अभी इसका डैमेज वगैरह कितना जाता है, ठीक है। देख रहे हो, लग रहा है ना एकदम जबरदस्त भाई, जबरदस्त तो है भाई, ठीक है भाई। काफ़ी ज़्यादा हार्ड था इसको नॉकआउट करना, बट कर लिया हम लोग ने। इसके अटैक देखना चाहोगे? देखो इसके पास ये पंजा मारने वाला एक अटैक है, उसके बाद इस तरीके से अपने हाथ जमीन पे पटकने वाला एक अटैक है, उसके बाद मुंह से फायर छोड़ने वाला एक अटैक है, उसके बाद बाम चीकी चीकी बाम बाम, ये इसका मेन अटैक है। और बस इतने अटैक है जो हमारे फिरॉक्स के पास है। बस अभी मैं जो ना कि जिसका यहाँ पे भाई, रुको पहले इसके अंदर ट्रैकर डाल दूँ। ये अपना मेन डायन है भाई, मेन डायन है भाई अपना ये। 10 मिलियन तो मैं इसकी हेल्थ करके रहूँगा भाई कम से कम। हाँ भाई कम से कम 10 मिलियन हेल्थ रहेगी,
उसके बाद इसके अंदर भाई ट्रैकर वगैरह डाल दिया मैंने, बाकी बचे भी जितने भी पॉइंट आएंगे हम लोग इसके मिली डैमेज में डाल देंगे। ठीक है, मैं इसकी लेवल अप कर लेता हूँ गाइस फटाफट से, रुको देखते हैं हमारे पिरोक्स का डैमेज कितना यहाँ पे जाता है। क्या लग रहा है बॉयज, कितना डैमेज जाने वाला है हमारे पिरोक्स का? ये लाख भाई, इसका डैमेज मिलियन में जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। सामने प्रैमल है, प्रैमल को तो हमारा फिरोक्स मार देगा यार, इतना तो पावरफुल होता ही है अपना फिरोक्स, प्रैमल को तो सिट्टी पिट्टी कुल कर देगा। रुको पहले तो भाई मेरे को इसकी मैक्स लेवल करने दो, फिर हम लोग प्रैमल डायनो की ना सिट्टी पिट्टी कुल करने के लिए निकल लेते हैं। ठीक है, अबे रुको बालक मारने आ रहा है मुझे, रुको यहाँ से बम डाल दो एक बम, चीकी चीकी बम, मेरे बम काट है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तगड़ा वाला बढ़ रहा है, तगड़ा वाला बढ़ रहा है, ले बेटा पट से बम। कहाँ पे गया वो आलू? प्रैमल वाला, ये प्रैमल वाला आलू, ये रहा प्रैमल आलू, ये ले बाप, व्हाट इज अ बम शॉट। अरे मारने आ रहा है, अब मारने आ रहा है, अबे यार पानी पानी है, व्हाट इज अ बम शॉट ब्रो, कितने लोगे इसकी बम शॉट? बस रॉक्स, व्हाट इज अ बम शॉट, आ गई गई गाइस, इस बार हेल्थ गई इसकी, इस बार हेल्थ गई। और सामने मुझे एक अजीब सी गुफा दिखाई दे रही है, ये गुफा भी देखता हूँ मेरे को भाई, आधे हेल्थ डाउन कर दी गई हम लोग ने, टेंशन नहीं लेने का गाइस, मरेगा ये मरेगा भाई, ये मरेगा भाई, मेरे बम वाले अटैक से गाइस इसकी बैंड तो भाई पक्का बजने वाले अभी आप है, ये ज्यादा टिकने नहीं वाला। ये लो रिफ्लेक्ट कर करके गाइस डैमेज इसको दूंगा मैं, अब भाई रुक जाओ, मार रहा है भाई ये काफी ज्यादा मार रहा है, वो अगर दीवार से दूर चला गया ना तो डैमेज गाइस कम हो जाएगा, डैमेज नहीं दे पाऊंगा इसको। रुको मुझे इसको ना उस दीवार के नजदीक लेके जाना पड़ेगा, ये दीवार के नजदीक भाई, स्लोनेस, ये दीवार के ऊपर मैं अपना बम डाल के ना सिलेस्टियल बॉम्ब डाल के रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ डैमेज, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो, ये देखो वो डैमेज रिफ्लेक्ट हो रहा है इस दीवार के ऊपर भाई, अपना बॉम्ब जो फट रहा है और रिटर्न वो डैमेज इसको ही पड़ रहा है, हवा में उठा लिया, ये देखो लाइक दिस खत्म, इजी पीजी बॉयज। सिलेस्टल फिरोक से हम लोग छोटे जो टारगेट्स होते हैं उनको ऐसे ही गाइस यहाँ पे हरा सकते हैं, और इजीली मेरी मैक्स लेवल भी यहाँ पे हो चुकी है, थोड़ा सा प्रैमल वाला ब्लड भी मिल चुका है, कुछ हीलिंग्स भी मिल चुके हैं प्रैमल वाली, सो ये तो पता चल गया कि प्रैमल डायनोज और बॉसेस को मार सकता। व्हाट, हिडन केव ड्यूड, फिरोक्स इधर इधर थोड़ा, ये क्या चीज है भाई, पगला चालू कर लू, ये कौन सी हिडन क्यू में आ गया मैं, ओ भाई ये क्या है, वो दो हाँ, वो मेरे घर के नीचे एक गुफा है, जो मेरा घर है ना गाइस पहाड़, उस पहाड़ के नीचे खूबसूरत सी गुफा है, व्हाट ड्यूड, सच में भाई साहब मजाक हो रहा है क्या भाई, भाई कितनी सुरीली सी प्यारी सी आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पे, देखो चिड़ियों की आवाज है, स्पाइडर से थोड़ी सी चोमू सी, एक भाई खूबसूरत सा झरना है जिसमें हम लोग नहा सकते हैं, वाव भाई यार सच में क्या खूबसूरत प्लेस है भाई, ये मैं हम लोग ने एक हिडन केव ढूंढ ली भाई यहाँ पे, देख रहे हो गाइज एक हिडन केव ढूंढ लिया हम लोग ने भाई, एकदम खूबसूरत सी। हाँ भाई यार जाओ रे स्पाइडर से, तुमको मैं इग्नोर मार रहा हूँ भाई, दिख नहीं रहा क्या तुमको, फुल इग्नोर मार रहा हूँ मैं, क्या आवाज आ रही यार खूबसूरत सी, देखना ची 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 कर रही है चिड़िया भाई, आहा काफी खूबसूरत जगह भाई है भाई, काफी खूबसूरत जगह, कैसी लगी गाइस हिडन केव बताना मेरे को, ये अपने घर के जो ना कैसे नीचे हिडन केव है, घर के एग्जैक्टली नीचे, ये देखो तुरंत टीपी भी मार दिया मैंने, ये देखो भाई
अपना घर देखो देखो एग्जैक्टली ये जो पहाड़ देख रहे हो ये वाला पहाड़, ये इस पहाड़ के नीचे वो गुफा है अपने घर के नीचे। भाई साहब मजेदार है भाई, मजेदार है। चलो अभी यहाँ पे क्या बारिश आ रही है, फॉग आ रहा है, क्या आ रहा है समझ नहीं आ रहा मेरे को, बट मुझे टॉर्पर तो स्पाइडर का चढ़ तो रहा है भाई तगड़ा वाला। ठीक है एक काम करता हूँ मैं, अभी अपने भाई सिलेस्टियल पिरॉक्स को निकालता हूँ और हम लोग चलते गए इस यहाँ पे आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट की बैंड बजाने के लिए। जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था कि आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट को मारेगा तो मैं भाई पक्का 100%, क्योंकि उससे मुझे आर्टिफैक्ट मिलने वाले हैं और वो आर्टिफैक्ट क्यों मैं इकट्ठा कर रहा हूँ आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। एक हम लोग खतरनाक सी ऐसी आर्मी बनाने वाले हैं ना, जो डिमोनिक डायनो जो मैंने टेम करा है उससे भी ज़्यादा तेज यहाँ पे ओरिजिन वाले बॉसेस को मारेगी। बस देखते जाओ गाइस, देखते जाओ वो आर्मी कौन सी है आपको पता चलेगा भाई। थोड़ा क्या वो क्या कर रहा भाई, बड़ा हो गया आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट। ओए आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट हाँ इधर आ, वो बाद में कर ले, पहले बम खा ले। चल चल बेटा पहले बम खा ले, पहले बम खा ले मेरा, पहले बम खा ले, पहले बम खा ले, पहले बम चिकी 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 बम बम खा ले मेरा भाई। ए डिमोनिक ओविस आ रही है मेरे पीछे भाई, पावड़ी हो गई ओविस, ओविस पावड़ी हो गई भाई, ओविस पावड़ी हो गई है, ओविस पावड़ी हो गई, ओविस पावड़ी हो गई भाई। ठीक है आर्टिफ भाई दो दो डिमोनिक डायनोस को मार दिया मैंने। क्या भाई कर रहा है भाई तू, ये ले इसके नजदीक नहीं जाना है आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट, क्या भाई बहुत गंदा मारेगा वरना। भाई इसने अपने मिनियन भी बुला ली, ठीक है रुको हम लोग को अगर इसको मारना है तो ऐसे ही डैमेज रिफ्लेक्ट कर करके मारना पड़ेगा, ऐसे गाइस डैमेज रिफ्लेक्ट कर करके मारना पड़ेगा हम लोग को इसको, और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। ये लो आ गया भी ये मरा भाई मरा, बाय बाय लेट्स गो बॉयज। मजा आ गया यार आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट को गाइस यहां पे लिटा दिया मैंने। अरे इसने तो हार्वेस्ट कर दिया, आर्टिफैक्ट तो मिले ना वैसे, रुको हाँ हाँ आर्टिफैक्ट तो चार टोटल आर्टिफैक्ट मिल चुके हैं और साथ में दो डिमोनिक डायनोस को ना हम लोग ने मार भी दिया भाई एकदम मस्त बेकी, मजा आ गया गाइस। मैं एक दो और प्राइमल को मारना चाहूंगा, सामने ना लूट बॉस है भाई, मैं बम डाल के उड़ा देता हूँ उसको भाई। इसका बम काफी पावरफुल होता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से नोटिस करा होगा तो इसके बम की पावर बफोन फ्यूरोक्स के बम की जितनी नहीं जा रही है। उसका मिलियन में डैमेज जा रहा था बफोन फ्यूरोक्स का और सिलेस्टियल फ्यूरोक्स, जबकि ये उससे ज्यादा पावरफुल है, हाई टायर का डायनो है, सो इसका डैमेज भाई ऑफकोर्स भाई उससे ज्यादा जाना चाहिए था, बट फिर भी अगर आप ध्यान से देखोगे सो इसका डैमेज ना उतना ज्यादा नहीं जा रहा है यहाँ पे। इसका डैमेज जो ना कि बम वाले अटैक का ज्यादा डैमेज नहीं जाता है बफोन फ्यूरोक्स का, इसका डैमेज जाता है यहाँ पे अपने हाथ से नाखून से पंच मारने वाला अटैक का। मैं दिखाता हूँ आपको रुको, इसका डैमेज जो है ना गाइस वो जाता है यहाँ पे स्पीड पे, जितनी ज्यादा इसकी स्पीड रहेगी उतना ज्यादा डैमेज रहेगा। भाई सारे डायनो मर गए क्या, मुझे स्पीड गेन करने के लिए लेकिन एक प्लेन जगह चाहिए होगी जो इस मैप पे काफी कम है। 5 लाख नॉर्मल 5 लाख है ऐसे, अगर मैं मटन यार पता नहीं कितने ज्यादा भाई मैंने इनको मारा है। ठीक है नॉर्मल 2 लाख डैमेज है मेरा, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी स्पीड गेन कर लूँ यहाँ पे अपनी, उसके बाद अगर किसी को मारो, अरे यार भाई लगा ही नहीं, अबे ये कहाँ चला गया, तो मेरा डैमेज जाता है 1.6 मिलियन का। थोड़ी सी स्पीड गेन करने से आप डैमेज देख ही सकते हो मेरा कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, ये अपने फिरॉक्स की पावर। बट यहाँ पे एक भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मैप पे खास करके ये है कि हम लोग फिरॉक्स का स्पीड ज़्यादा गेन नहीं कर सकते, क्योंकि इस मैप पे ना प्लेन जगह काफ़ी कम है, सो उस रीज़न से हम लोग जो है ना कहीं ज़्यादा जगह यहाँ पे हम लोग को भाई स्पीड गेन करने के लिए मिलती नहीं है। ठीक है ये देखो ऐसे उबड़ खुबड़ काबड़ ऐसा एरिया आ जाता है, फिर हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा है गाइस इस मैप पे, वरना हमने डैमेज जो ना इस फिरॉक्स का काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला जाता, बट वो इसका रियल डैमेज एकदम हाई स्पीड पे कितना जा रहा है वो मैं आपको इस वाले मैप पे खास करके गाइस दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस मैप पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं आपको इसका डैमेज दिखा पाऊँ। लेकिन गाइस हम लोग ने इसकी मदद से प्राइमल एलोसोरस और एक आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट की बैंड तो जरूर से बजा दी, इससे आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा सिलेस्टियल फिरॉक्स कितना ज़्यादा खतरनाक डायनो है, और इसका जो बॉम्ब वाला अटैक है ना ये वाला अटैक ये सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक है। तो बताइए गाइस आपको हमारा ये सिलेस्टियल फिरॉक्स जो है गाइस वो कैसे लगा। इसको मैं ओरिजिन के अगेंस्ट नहीं उतार सकता हूँ क्योंकि ओरिजिन इसको बहुत गंदा मारेंगे, इसकी हेल्थ अगर देखोगे तो 10 मिलियन हेल्थ है खाली,
और इसके पास जो सैडल है वो भी उतना पावरफुल सैडल नहीं है। सो ओरिजिन जो ना जो इसकी भाई बैंड बजा के रख देंगे, इसलिए मैं इसको ओरिजिन के अगेंस्ट तो उतार नहीं सकता हूँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इतना मैं आपको ज़रूर से बता सकता हूँ। बाकी आप बताना आपको बफॉन फ्यूरॉक्स और सिलेस्टियल फ्यूरॉक्स में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक वाला लगा। बाकी तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला जो हमारा एपिसोड है वो हम लोग ये पे खत्म कर लेते हैं। मिलते सीधा के सबसे अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क प्राइमल फियर के प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल के। तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग। जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और जो हमारा नया आर्क पीसी वाला गेमिंग चैनल है उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना, नए चैनल का नाम है आर्क गेमिंग। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb.